नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों आम जनता से लेकर विपक्षी पार्टियां तक पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के लिए सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रकट कर रही हैं। इसी के चलते सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक चिट्ठी लिखकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती हुई कीमतों पर अपना रोष प्रकट कर कहा है कि दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें कम होने के बावजूद हमारे यहाँ पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार क्यों बढ़ रही हैं। सोनिया गांधी जी ने सरकार से कीमतें कम करने की मांग की है। अब देखना यह है कि सरकार इस पर अपनी क्या प्रतिक्रिया देती है। आपका यह जानना आवश्यक है दोस्तों कि किस प्रकार तेल कंपनियां अपनी कीमतें निर्धारित करती हैं। तेल कंपनियों ने 7 जून को रोजाना के आधार पर पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा शुरू की। इससे पूर्व पूरे लॉकडाउन के दौरान यानी पूरे 42 दिन तेल कंपनियों ने अपनी कीमतें नहीं बदली थी। 7 जून के बाद से लगातार कीमतें बढ़ रही हैं। इन कीमतों के लगातार बढ़ने के क्या कारण हैं, यह जानने के लिए हमारे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, हम आपको आज ये बता दें कि पिछले 11 दिनों से पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार इजाफा हुआ है। 17 जून को पेट्रोल 55 पैसे और डीजल 69 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। इस तरह पिछले 11 दिन पेट्रोल कुल 6.02 रुपए और डीजल 6.49 रुपए प्रति लीटर बढ़ चुका है। दोस्तों, आपको जानकर यह हैरानी होगी कि हमारे देश में आज पेट्रोल डीजल के दाम पिछले 1.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच चुके हैं। इससे पहले नवंबर 2018 में पेट्रोल डीजल इतना महंगा हुआ था। दोस्तों, हम आपको बता दें कि पहले पेट्रोल डीजल की कीमतें तय करने में सरकार की भूमिका ज़्यादा रहती थी। फिर जून 2010 से पेट्रोल और अक्टूबर 2014 में डीजल की कीमतों को सरकार के कंट्रोल से हटा दिया गया। कीमतें कम या ज़्यादा करने की जिम्मेदारी तेल कंपनियों को सौंप दी गई। वह बाजार में तेल के भाव के आधार पर फैसला ले सकती थी। भाव तेज है तो कीमतें बढ़ जाएंगी और भाव कम है तो कीमतें घट जाएंगी। पहले महीने में 2 बार तेल की कीमतों पर फैसला लिया जाता था, एक पहली तारीख को और दूसरा 16 तारीख को। पर लोगों की ये शिकायत रहती थी कि तेल सस्ता होने का फायदा उन्हें नहीं मिल रहा। चलिए दोस्तों, यह सारी प्रक्रिया हम आपको बिल्कुल आसान और सरल भाषा में समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेट्रोल डीजल 1-1 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ, लेकिन अगले 10 दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिर गए, लेकिन 16 तारीख के बाद फिर कीमतों में उछाल आ गया। तो ऐसी स्थिति में पेट्रोल डीजल की कीमतों में मामूली बदलाव या गिरावट देखने को मिलती थी, या फिर वो महंगा कर दिया जाता था या सस्ता। साथ ही कीमतों में बदलाव भी बड़े स्तर पर होता था, जैसे 2 रुपए प्रति लीटर सस्ता या महंगा। एक साथ 2-3 रुपए बढ़ने पर चारों तरफ काफी हंगामा होता था। लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी, जुलूस और रैलियां निकालते थे। फिर साल 2017 से यह बदलाव हुआ कि रोजाना के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें तय करने का फैसला लिया गया। दुनिया के कई दूसरे देशों में भी ऐसा ही होता है। रोजाना तेल की कीमतें निर्धारित होती हैं। भारत ने 2017 से यह तरीका अपना लिया। 1 मई 2017 से भारत के 5 शहरों चंडीगढ़, पुदुचेरी, उदयपुर, जमशेदपुर, वाईजेंग और एक महीने बाद इसे पूरे देश में लागू किया गया और बताया गया कि अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सस्ता होने पर लोगों को फायदा मिलेगा। शुरुआत में कई दिनों तक कच्चे तेल की कीमतों में कमी भी हुई, इसलिए लोगों को यह तरीका पसंद भी आ गया। तब से हर रोज पेट्रोल डीजल के भाव बदलते रहते हैं। इससे एक फायदा यह भी मिलता है कि इससे रोजाना प्रति लीटर के हिसाब से कुछ पैसे ही घटते या बढ़ते हैं। जैसा पिछले 11 दिनों से पेट्रोल 6 रुपए प्रति लीटर महंगा हुआ, पर थोड़ा थोड़ा करके पैसे बढ़े हैं, जिससे खरीदने वाले को महंगाई का झटका एकदम से नहीं लगता। अब हम बात करते हैं लॉकडाउन की। भारत में लॉकडाउन 25 मार्च से लागू हुआ था, परंतु पेट्रोल डीजल की कीमतों की समीक्षा 15 मार्च से ही रुक गई थी।
क्योंकि केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया था कि कोरोना की वजह से कच्चे तेल की कीमतें दुनिया भर में गिर या कम हो रही थी, ऐसे में सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी थी। सरकार ने मार्च में 3 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई थी। तो दोस्तों, अब हम आपको बता दें कि जो टैक्स देश के अंदर काम कर रही कंपनियों पर लगता है अपना कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, उसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने से जनता को कोई सीधा नुकसान तो नहीं होता, परंतु तेल कंपनियों को जो कम कीमतों का लाभ होना होता है, वह बढ़ा हुआ टैक्स चुकाने में चला जाता है, क्योंकि बाहर से आने वाला कच्चा तेल तो सस्ता हो गया, लेकिन कंपनी के जो पैसे इससे बचने थे, वह बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी चुकाने में लग जाते हैं। ऐसे में पेट्रोल डीजल की कीमतें कम नहीं हो पाती। लगातार कच्चे तेल में चल रही उठापटक के चलते कंपनियों ने 15 मार्च को कुछ समय के लिए तेल की समीक्षा बंद कर दी। उस समय दिल्ली में पेट्रोल लगभग 70 रुपये प्रति लीटर था, जबकि डीजल 62 रुपये प्रति लीटर था। 6 मई को सरकार ने एक बार फिर एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। उस समय स्पेशल एडिशनल ड्यूटी और एक्साइज मिलाकर पेट्रोल पर 10 रुपये और डीजल पर 13 रुपये प्रति लीटर बढ़ाए गए थे। इसके चलते भारत फ्यूल पर सबसे ज्यादा टैक्स लेने वाला देश बन गया। भारत में 69% टैक्स पेट्रोल और डीजल पर लिया जाता है। आपको ये बता दें कि 2014 से अब तक पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 12 बार बढ़ाई गई है, वहीं 2 बार यह घटाई गई है। 1 लीटर पर सरकार लगभग 33 रुपये एक्साइज ड्यूटी ले रही है, वहीं डीजल पर लगभग 32 रुपये। भारत में तेल की कीमत कम होगी या नहीं, इस पर दो चीज़ें असर डालती हैं। एक, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, और दूसरा, डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत। कच्चे तेल की कीमत कम हुई लेकिन रुपया गिरा, तो भी तेल की कीमत कम नहीं होगी। कच्चे तेल का रुपया डॉलर में चुकाया जाता है। अगर रुपया कमजोर हुआ तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। कभी कभी इसका उल्टा होता है, यानी तेल महंगा, रुपया मजबूत, तो भी मार जनता को ही पड़ती है। 1 लीटर तेल की कीमत में 1 लीटर कच्चे तेल का मूल्य, तेल रिफाइनरी खर्च, सरकार का टैक्स और पेट्रोल पंप पर तेल बेचने वाले डीलरों की कमीशन भी होती है। इसी वजह से तेल का मूल्य बहुत बढ़ जाता है। मार्च अप्रैल में कोरोना के चलते कच्चे तेल की कीमतें गिरी थी, लेकिन अब कुछ देश कोरोना से उभरते दिख रहे हैं, जिस वजह से तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। कच्चा तेल अभी 4 महीने के सबसे उच्चतम स्तर पर है। साथ ही सरकार ने लॉकडाउन के चलते जो टैक्स बढ़ाया था, उसके चलते तेल और महंगा हो रहा है। अगर केंद्र सरकार व राज्य सरकारें अपनी एक्साइज ड्यूटी कम कर देती हैं तो तेल सस्ता हो सकता है, लेकिन लॉकडाउन के चलते सरकार का खजाना खाली पड़ा है, तो ऐसा होता दिख नहीं रहा है। तो अंत में दोस्तों, तेल की कीमतें कम होने की उम्मीद तो अभी हमें नहीं दिखती। पर यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, यह ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल 7C News को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।